Big hi to all my friends. Thank you for watching video. My name is Jasmine and I will present you. गधा, I will see you tomorrow. बच्चा है क्या? अपने मन की फीलिंग्स के बारे में बता नहीं सकता था। ये क्या हो रहा है मुझे? ये मैं क्या करने वाली थी? मेरी शादी हो चुकी है, एक बच्चा है मेरा और मैं ऐसा ख्याल मेरे मन में आ गई तू? हाँ मैं। आप कब आए? क्यों नहीं आना चाहिए था? कहाँ गई थी? इस लौंडे के साथ गई थी ना? लड़किया उसने तेरे साथ हाथ पकड़ा हुआ तेरा हाथ पकड़ा हुआ कहाँ छोड़ यहाँ देखा ना रुपये आ रहे थे अंदर से जानता हूँ तुझे जवान चिकना लौंडा देखा हो फिसल गई क्या कर रही थी उसके साथ जवाब दे क्या कर रही थी उसके साथ कैसी बातें कर रही आप ही ने तो मुझे उसके साथ भेजा था उसके प्रोजेक्ट पर उसकी हेल्प अरे मेरे सीनियर का बेटा है वो उसे कैसे मना कर देता लेकिन तू तो मना कर सकती थी लेकिन नहीं तू मना क्यों करेगी तुझे तो शौक है कि बाहर के मर्द आए तुझे देखे तेरी तारीफ करें तुझे यहाँ वहाँ हाथ लगाए शौक है तेरे ये भी बता दे मुझे बताना क्या क्या शौक है तेरे भैया अभी कुछ मौसम सही हो रहा है आज अरे साले वो सब छोड़ तेरी खबरें बहुत मशहूर होती जा रही हैं साले क्या कर रहा है यार ये सब बकवास की बातें दैट्स सो डिसगस्टिंग चुपचाप अपना काम खत्म करके निकल जाता ना घुमाने फिराने की क्या जरूरत थी हां क्या अरे मतलब यार कैप्टन जब बाहर जाता है तो तू अपने हाथ साफ कर लिया करना और वैसे भी सब जानते हैं वो कमीना कैप्टन सालों से डरा धमका के रखता है वैसे कुछ भी हो यार भाभी है बड़ी हॉट तू ले दे के निपटा लेता वो काम करने की वजह से नहीं थे वो सब कुछ मेरे भैया की वजह से थे मेरी बात सुनो सुहिना क्या तुम मेरी हेल्प करोगी ये जानने में कि प्रियंका मेरे लिए क्या फील करती है तुषार तुम पागल हो गए हो सुहिना मेरी तुषार जस्ट लिसन टू मी भाभी की लाइफ में और कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल ऐड मत करो अभी सिर्फ भैया को शक हुआ है अगर बाय चांस उन्हें तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पता चल गया ना वो पता नहीं भाभी के साथ सुहिना सुहिना प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू एक बार मेरी हेल्प करो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू मुझे जानना है कि प्रियंका मेरे लिए क्या फील करती है आई वांट टू नो सुहिना प्लीज तो
तुषार इधर आओ। डैड मोहित और रोहन से तुम्हारी लड़ाई हुई? डैड वो ऐसे ही। ऐसे ही कुछ नहीं होता तुषार। They were talking nonsense about Priyanka. I told you तुषार she's a bad woman. क्या कह रहे हैं मामा? बहुत अच्छी लड़की है। वो लड़की नहीं है तुषार, वो एक औरत है, शादीशुदा है, वो बच्चा है उसका और हस्बैंड भी है जो उससे प्यार नहीं करता। So what? That's their problem. Why are you getting into it? Cause I love her, mom. प्यार करता हूँ मैं उससे। I'm sorry, मुझे तुम्हें यहाँ इस तरह बुलाना पड़ा। क्या मतलब है सबका? चलो मुझे मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। भाभी यू बोथ नीड टू टॉक, सिर्फ एक बार उसकी बात सुन लीजिए प्लीज, मेरी खातिर। अगर आज बात नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी प्रियंका। प्लीज तुषार मुझे कुछ नहीं सुनना। आई लव यू। जब तुम्हें पहली बार देखा था शॉप में, आई सॉ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस एवर। फिर तुम पार्टी में मिली, फिर घर पे। आई डोंट नो हाउ एंड व्हेन आई स्टार्टेड फॉलिंग फॉर यू। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आई एम मैरिड। आई कांट लिव विदाउट यू। तुषार प्लीज, मेरा एक बच्चा है। कम ऑन यार, जब मैं यूएस से आया था कोई प्लानिंग करके नहीं आया था कि तुम मिलोगी तुमसे प्यार हो जाएगा। तुम ऑलरेडी मैरिड, उसमें मेरी क्या गलती है? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? जस्ट लीव। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी। आई सेड जस्ट लीव। ओके आई विल, जस्ट टेल मी वंस, एक बार कि तुम मुझे प्यार नहीं करती। You don't care for me? Want? नहीं करती। She loves me. ये झूठ है भाभी। पिछले 6 सालों में मैंने आपको इतना खुश नहीं देखा जितना इन कुछ दिनों में। ऐसा कुछ नहीं भाभी। भाभी वो आपसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए आपका आंसर सुने बिना वो अपने मॉम डैड अपने फ्रेंड सबसे लड़ पड़ा है। और इसलिए नहीं क्योंकि वो अपने आप को सही प्रूव करना चाहता है, इसलिए क्योंकि वो आपको सही प्रूव करना चाहता है। इवन जो आप मेरी भाभी हो, अभी मैं राइट को रॉन्ग और रॉन्ग को राइट नहीं कह सकती क्योंकि क्योंकि मेरे भैया गलत है। प्लीज आप उन्हें छोड़ दीजिए। प्लीज जस्ट लीव हिम एंड गो। नहीं ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं ऐसा। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। ये ऐसा कभी नहीं करेगी। तू अपने कमरे में जा। गो। और तू ना हाथ मत लगाना उसे। तू मेरे घर में क्या कर रहा है? जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। गेट आउट। बाहर खड़े रह के बहुत कुछ सुन चुका हूं, अब रुकने आया। रोक लिया है। अगर तू मेरे सीनियर का बेटा नहीं होता ना तो गोली से उड़ा देता तुझे। कर जा बेटा, माँ इंतजार कर रही होगी। अगर तू मेरे डैड का जूनियर नहीं होता ना, मैं कब का कर चुका। तू रोकेगा मुझे? रोक रोक।
रोकना, अबे रोकना, रोक मुझे, रोक, रोकना, how dare you hit me, idiot, get up, what, you bloody idiot. सर तुषार चलो यहां से, चलो मैंने कहा। देखा सुनी ना तूने, आज इसकी वजह से पहली बार जिंदगी में मेरी इतनी बेइज्जती हुई है। वो कल का लौंडा मेरे घर में आकर मुझे धमकी देता, मुझ पर हाथ उठाता, ये सब तेरी वजह से। आज मैं तुझे भाभी की क्या गलती है? You are at fault. आपको शर्म आनी चाहिए खुद पे। You're a drunk, abusive man. भाभी तो क्या, दुनिया की कोई भी लड़की आपके साथ नहीं रहना। Shut up. Just shut up. How dare you talk to me like that? कोई अपने बड़े भाई से ऐसे बात करता है? तो कैसे बात करता है? जिस तरह आप भाभी से बात करते हो। आपसे 100 टाइम्स बेटर वो तुषार है। Just stop it! तुम्हें पता है क्या, तुषार was right. I have a choice. सच सुनने की हिम्मत है तुम्हें? तो सुनो, I love तुषार। किसकी मजाल कोई रोक ले, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्क़ के जुनून रुके नहीं। अब तक मैंने खुद को भी एडमिट नहीं किया था, but yes, it's the truth. I love तुषार। गुस्ताख से ये आशा। I'm so happy. से बहुत दूर जाके एक साथ बहुत खुश रहेंगे, है ना? हाँ, हम दूर भी जाएंगे और खुश भी रहेंगे, पर साथ नहीं। क्या? I know you love me, और तुम मेरी बात को जरूर समझोगे। अंधेरे में अगर डर लगे तो लाइट ऑन करने से डर चला नहीं जाता, डर से लड़ना पड़ता है, और वो तुमने मुझे सिखाया तुषार। मैं जानती हूं कि मेरा प्यार भी तुम्हें वही स्ट्रेंथ देगा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। आई कांट लिव विदाउट यू, यू नो दैट। यू थिंक आई कैन लिव विदाउट यू? तुषार, तुमने मुझे प्यार करना सिखाया, यू नो सनी, मेरा बेटा जब वो बड़ा होगा ना तो शायद वो ये समझ जाए कि मैंने उसके पापा को क्यों छोड़ा। पर तुम्हारी मॉम की तरह वो भी कभी हमारे साथ को नहीं समझ पाएगा। प्यार में साथ होना जरूरी नहीं होता, प्यार का होना जरूरी होता है, और वो यहां है। ये तस्वीर देख रहे हो, प्रियंका जो आंखों तक मुस्कुराती है। I promise तुषार, मैं जिंदगी भर इसी तरह मुस्कुराती रहूंगी अपने बेटे के साथ। एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। I'll always be happy. Oh
और मैं चाहती हूँ कि यू शुड ऑल्सो ऑलवेज बी हैप्पी. तो कम ऑन स्माइल आंखों तक वाली, ताकि मेरे मन में तुम्हारी लास्ट इमेज मुस्कुराती हुई हो.